लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। हम मास्क पहनते हैं, हम सोशल डिस्टेंस रखते हैं, हम सैनिटाइजर का उपयोग करते हैं, हम इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लेकिन उसके साथ वैक्सीन लेना जरूरी है। ये लाला रामदेव ने वैक्सीन के सामने भी क्वेश्चन किया है कि तो सब गलत है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने आज ही उसको नोटिस भेजी है कि तू ऐसा निवेदन क्यों कर रहा है अपने धंधे के लिए। उनका धंधा 3 साल पहले 1000 करोड़ का था, वो होके 300 करोड़ का हो गया, फिर 200 करोड़ का हो गया। तो उसको लगा कि मैं दोबारा जो मार्केट में हवा तेज नहीं करूँगा तो मेरा धंधा चौपट हो गया, इसलिए वो एलोपैथिक डॉक्टरों को गाड़े बांध रहा है। वो आयुर्वेदिक डॉक्टरों को एलोपैथिक डॉक्टरों को एक दूसरे के सामने झगड़ाता है, लेकिन मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर वो भी हमारे भाई है, होम्योपैथ वाले डॉक्टर भी हमारे भाई है। आयुर्वेदिक डॉक्टर होम्योपैथ डॉक्टर वो सपोर्टिव मेडिसिन है, वो सपोर्ट देने से शायद कोरोना की तीव्रता कम हो जाती है, लेकिन कोरोना मिटाने की जो कुछ दवा है अमेरिका में जो होती है, लंदन में जो होती है, ऑस्ट्रेलिया में होती है, वही दवा हमारे देश में अहमदाबाद में हो रही है। हम वो दवा कर रहे हैं, हम कोरोना के मरीज को बचा रहे हैं, जैसे हमारे सोल्जर बॉर्डर पे लड़के वॉर करके हमारे देश को बचाते हैं, वही चीज़ हम देश के अंदर बैठ के मरीजों को बचा रहे हैं। ये आदमी क्या कर रहा है वो पता नहीं है, वो क्या बोलता है उसको पता नहीं है। भारत में इतने बिजनेसमैन हैं, बहुत से करीबन वर्ल्ड में जो नाम होते हैं, ऐसे 5 बिजनेसमैन भारत में है, लेकिन ये कोई ऐसी गलत कमेंट नहीं करता। वो देश को सेवा करने की तो बात अलग, अपनी कोरोनिल करके क्या कोरोनिल, उन्हें कौन से पेशेंट पे उसका उसके ट्रायल किया है, तू ट्रायल तो बता। तू महीने के पहले तू ऐसा बोल रहा है कि WHO ने तुम्हें सर्टिफिकेट दिया, WHO ने आज तक कोई भी नॉन एलोपैथिक मेडिसिन को कभी भी कोई सर्टिफिकेट नहीं लिया। इंडियन मेडिकल के अहमदाबाद ब्रांच के मैं सेक्रेटरी रह चुका हूँ, वाइस प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, 10 साल मैं ऑफिस बेरर रह सका हूँ। हमने 2 दिन पहले वो मीटिंग की है, हम आपको नोटिस भेज रहे हैं, FRI कर रहे हैं और आपको नानी याद करा देंगे। रामदेव लाला तू समझ, तू अपने आप को हीरो मत समझ, तू हमारे जैसा है, तू भारत का नागरिक है, तो बोलने में भविष्य में ख्याल रख। भूतकाल में तूने बहुत कांड किए हैं, ये सब कांड तूने धंधे के लिए करना है, तू जो कुछ धंधा करना है कर। तेरे ड्रग के कोई पन क्लिनिकल ट्रायल तेरे पास होने तो हमें बता ना, तू गाय का घी कर रहा है, तू इतने गाय कहाँ से लाया वो तो हमें बता तू यार। गवर्नमेंट में बहुत से अच्छे लोग हैं, उन लोगों को भी निवेदन है कि ये बकवास जो कर रहा है उसको जरा बंद कराओ। हमारे लागणी, हम अभी कोरोना की वजह से पूरा भारत डरा हुआ है, ये आदमी अंगुली कर करके हमें और डरा रहा है। तो आप लोग में जो अच्छे लोग राजकारण में हो तो उसको सुधारने की कोशिश करो, एक CBI की कमेटी बनाओ, इतना पैसा का करता क्या है उसका जरा हिसाब रखे, यार लाला रामदेव को सुधारने की कोशिश करो। तेरी आँख जो पटपटा रही है ना उसको तो तू इलाज कर नहीं सकता, और तेरे ग्रुप में जो लोगों है जिसको कोरोना हुआ है उनको तो तू एलोपैथी दवा कर रहा है। और आप कहते हैं को हम डायबिटीज मटाते हैं, हम BP मटाते हैं, हम कैटरेक को ऐसा करते हैं, हम वजन घटाते हैं, तो आपके पास कौन से रिसर्च पेपर है आप दिखाओ ना मीडिया में कैसा कुछ हो, तो आपके पास कुछ नहीं है। एक ऐसा है कि आपको बोलने में इतने सालों में छे ना वाणी पे प्रभुत्व आ गया, तो कौन सा शब्द कब उपयोग करना, लोगों की मानसिक परिस्थिति को कब दबाना, लोगों के लागणी को कब दबाना, वो उससे आप धंधा कर रहे हो। तो भगवान तो हम सब लोग भगवान को मानते हैं ना, ऊपर वाला न्याय देखता है, उसके घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मैं हम दोनों जो रहेंगे ना तो आपका फ्यूचर क्या है आपको मैं दिखाऊंगा। इसलिए लाला रामदेव वीर मेरा ये कहना है कि आप सुधर जाओ तो अच्छा है, लेकिन ये देश की जनता है ना जिन्होंने मुगलों को भगाया, जिन्होंने अंग्रेजों को भगाया ना,
वो आपको ऐसा भगा देगी ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा।